मैं भाव जिसका जितना कच्चा उतना जल्दी पहुंचेगा। चोर कभी भी छाती ठोक के नहीं कहता कि मैं चोर। दानी छाती ठोक के कहता है कि हमने ये दान किया, मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा ये कर दिया ये कर दिया। रोज अपने वेट के बराबर गवों को डालता हूं दलिया वगैरह, जैसा आपने बताया, उनकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। ये डोर पतले सूक्ष्म महीन धागे से बदलकर चाइनीज डोर का की जगह भी मेटल की डोर हो जाएगी, जो टूटे से ना टूटे। रामकृष्ण मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, हिंसा के ऊपर बल नहीं है उनका, हिंसा खुद करते हैं। बंगाल में चलती चावल मछली है, उनका पुश्तैनी खाना है। मुझसे कल किसी ने पूछ लिया कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति और बिल्कुल शुद्ध रहने वाला व्यक्ति कौन जल्दी पहुंचेगा। मैंने कहा कर्म का कोई सवाल नहीं, बात कर्ता की है। जब आपका मैं भाव प्रगाढ़ होता है, जब आपकी डोर इतनी महीन है, हल्की सी चोट से टूट जाएगी और पतंग उन्मुक्त हो जाएगा आकाश में। और डोर इतनी ज्यादा सघन है, इतनी ज्यादा बलवान है कि वो मेटल की डोर है तो नहीं टूट पाएगी, औरों को तोड़ देगी। इसलिए बड़े अहंकार वाला दानी परमात्मा तक नहीं पहुंचता, लेकिन छोटे दानियों को नीचा जरूर दिखा देता है। पकड़, पहचान कमजोर होनी चाहिए। कैसे कहेगा सदना कि हां मैं कसाई, कहेगा तो मुख छुपा के कहेगा। आपने देखा जो चोर पकड़े जाते हैं, समगलर पकड़े जाते हैं, जो वैश्याएं पकड़ी जाती हैं, उनका बयान लेते वक्त, लोगों के सामने प्रस्तुति करते वक्त उनका मुंह ढक लेते हैं, मुंह के ऊपर पर्दा के, पता ना लगे कौन है। बस पहचान छुप जाए। अगर किसी दिन तुम में ये पहचान को तोड़ने की साहस आ गई, उसी क्षण तुम पहुंच जाओगे। तो मैं कहता हूं लुच्चा लफंगा चोर बदमाश 100 गुना 1000 गुना करने वाला व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा, बजाय इसके सत्यवादी सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ब्रह्मचारी तो अकड़ के खड़ा हो जाएगा कि हम तो ब्रह्मचारी। बड़ी सुंदर बात आपसे बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व मैंने भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं देखा। उसके बाद बहुत नेता गणाए, लेकिन अटल बिहारी हीरे थे। उनसे किसी ने पूछ लिया क्या ब्रह्मचारी हो, तो हंस के बोले कि नहीं, मैं कुमारा ब्रह्मचारी, मुझे गलत बात मत को, मैं कुमारा हूं ब्रह्मचारी नहीं। ये होती है पहचान। आप लंगोट बांध लेते हो, सादे जाओ ब्रह्मचारी, क्या होगा।
शरीर को अपना माने हो कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, शरीर को अपना ना समझे तो लंगोट भी उतार फेंकोगे महावीर की तरह, नग्न हो जाओगे। लंगोट की भी क्या आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य सद गया। आपने, इसलिए मैं कहता हूं ये कूड़े का ढेर, मैं किसको कहता हूं, सचमुच ये कूड़े का ढेर नहीं है, ये बदबू से भरी हुई आपने टोकरी नहीं रखी है, ये बदबू है, पकड़ बदबू है। और आपने ना जाने किस किस जगह के ऊपर पकड़ बना रखी, गलत मान्यताएं आपने दिमाग में कहां कहां बांध रखी हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। संत तोड़े तो किस किस को तोड़े, पकड़ की बात है, नॉन क्लिंगिंगनेस। जिस दिन तुम सब पकड़ों से आजाद हो जाओगे, देखिए ईंट को हम दोनों हाथों से 10 उंगलियों से पकड़ तो भी वो पकड़ी ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। और ईंट को हम सिर्फ दो, एक उंगली और एक अंगूठा इससे पकड़ लें तो भी वो पकड़ी ही रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी। पकड़ चाहे करोड़ तरह की हो और पकड़ चाहे एक तरह की, पकड़ तो पकड़ है। आप मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक एक भी पकड़ बाकी है। और अपने भीतर झांक के देखो कितनी पकड़े मौजूद है। मेरे सानिध्य में एक साधक साधना कर रहा था, मुझे कहने लगा बाबा करीब करीब सभी पकड़े मैंने छोड़ दी, फिर ये मेरी सुरती शब्द में समाती क्यों नहीं, शब्द तो भीतर लगातार चल रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, वो कभी सोता नहीं। तुम तभी मिलोगे जब तुम मिलने को आतुर होगे, और जब तुम मिलने को आतुर होगे तो आपको सब पकड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। ऊपर से जब ईंट छोड़ी जाती है, छूट जाती है आपकी सभी पकड़े, सिर्फ दो पकड़ यही बहुत है, 10 से पकड़ने की जरूरत नहीं है उसको। सिर्फ एक पकड़ भी आपको बांध सकती है, फिर आप में और करोड़ पकड़ वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं, आप बराबर के अज्ञानी हो, आपकी ईंट धरती पे नहीं गिरे। परमात्मा आपका काम तभी करेगा अपना जब आप पकड़ छोड़ोगे ईंट से, तो वो आपकी सुरत को खींच लेगा शब्द में, शब्द हो रहा है निरंतर गूंज रहा है, जैसे सन्नाटा दिन भर रात गूंज रहा है आपके इंतजार में 24 घंटे, एक क्षण के लिए भी ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव कम नहीं होता, बंद नहीं होता, इंतजार करता है ईंट कब गिरेगी। सुरत शब्द में समा जाए, तुम्हारे प्रयास से नहीं समा, तुम्हारी अप्रयास से। अगर तुम फर्ज करो तुमने ईंट पकड़ रखी, तुम चाहते हुए भी ईंट को नहीं छोड़ पाते, ईंट सोने की है, ईंट मिट्टी की होती तो आप छोड़ देते, गंदगी की होती तो बिल्कुल चला के मारते, सोने की है हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, छोड़ने का मन नहीं करता, वो पकड़ भारी है, वो पतंग मेटल की तार से बंधा है, मेटल के धागे से बंधा है, वो टूटेगा ही नहीं। कितने ही पतंग से पेचे डलाए जाओ वो नहीं टूटेगी, मेटल की तार है।
एक ही पकड़ काफी है। और आपने तो ऐसी मजबूत पकड़ें अनंत बना रखी हैं। बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा? तुम सोच ही सकते हो, टक्करें मार रहे हो बाबा, जल रहा, कोई रास्ता बता दो, सिर पे हाथ ही रख दो, रामकृष्ण परमहंस की तरह हम भी चख लें उस आनंद को। संत कब चाहते हैं कि तुम उस आनंद को ना चखो? वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी थोड़ा ही है, वो करुणा के वश बोलता है, उस सागर में कोई कमी नहीं, कितने ही प्राणी उसमें चले जाएं, कितनी ही बूंद समुद्र में समा जाए, समाहित कर लेगा वो भस्मासुर है, भस्म कर देगा आपको, समाहित कर लेगा। लेकिन बात आपकी पकड़ की, आपकी पकड़ बहुत गहरी है, किसी न किसी चीज पर आकर आप रुक जाते हो, ये तो नहीं छोड़ सकते, ये मुश्किल है। इसी पकड़ के कारण ही अर्जुन ने महाभारत के संग्राम में सब देखा, ये पकड़ ही थी। द्रोणाचार्य से सीखा विद्या, उसी के ऊपर चला, भीष्म पितामह की गोदी में नन्ना सा बालक पला, उसको मार दूं, ये मेरे भाई ही तो हैं, क्या हुआ? मेरे बड़े पिता के बेटे हैं, साथ खेले पले, पढ़े लिखे, जमा हुए, मार दूं, ये पकड़ा। इतनी पकड़ों के कारण वो उलझ गया है, और आप भी इन पकड़ों के कारण ही उलझे हुए हो। तभी मैं कहता हूं कि एक एक पकड़ को देखो, उसे तोड़ दो, एक एक मूढ़ताओं के कारण, एक एक मूढ़ताओं को देखो, उन्हें तोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। हम भी कोशिश करते हैं, पहले भी कोशिश की। बाबा नानक कहते हैं कि जब मेरे खेतों तक यहां से फेंका का पानी नहीं पहुंचता, तो आप यहां से जो पानी देते हो वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाएगा? मूर्ताओं को तोड़ने का प्रयास, आपकी पकड़ को तोड़ने का प्रयास। और आपकी पकड़ चाहे वो शुद्ध है चाहे वो अशुद्ध है, सही पूछें तो अशुद्ध कम होती हैं, शुद्ध ज्यादा होती है। तभी मैं बोलता हूं कि ये जो धर्म के नाम पर आपको आचरण, अच्छा आचरण करना सिखा रहे हैं, आप अच्छे नागरिक तो बन जाओगे, अच्छे आचरणवान तो बन जाओगे, संबोधि को प्राप्त नहीं हो सकोगे। ये ईंट गिरेगी नहीं जब तक पकड़ बाकी है। सुरती आपकी समुद्र में, सुरती आपकी शब्द में जाएगी नहीं, बूंद आपकी समुद्र में जाएगी नहीं। पकड़ अगर एक भी बाकी है, आपकी तो लाखों अनंत पकड़े बाकी, आपकी तो ऐसी ऐसी धूर्तताएं पकड़ी, और मोटी तार क्या
आपने तो रस्से बना लिए हैं पकड़ के। तो एक व्यक्ति मेरे सानिध्य में साधना कर रहा था, मुझे कहने लगा, बाबा सब पकड़े छोड़ दी। मैंने कहा, देखिए मेरे पास सीधा सा फार्मूला है, सभी पकड़े छूट गई तो आपकी ईंट सड़क पे लगेगी। बस मेरे पास, मुझे जवाब पता है, मुझके आपका आपका फार्मूला नहीं पता। मुझे ये पता है दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। आपने कैसे मिलाया ये मुझे नहीं मालूम, ये आपका फार्मूला है। मुझे ये पता है, मुझे फल पता है, बस कुल मात्र मेरा यही डायरेक्शन है, यही यही फल को देखने का तरीका। पकड़ नहीं छूटी क्योंकि आपकी ईंट अभी धरती पर नहीं गिरी। बस मैं ईंट को देखता हूं, ना आपके हाथ को देखता हूं, ना आपकी पकड़ को देखता हूं कि आपने दोनों हाथों से पकड़ लिया या आपने 10 आदमी और बुला लिए उस ईंट को पकड़ने के लिए, कोई मतलब नहीं। मतलब है कि क्या वो ईंट धरती पर गिरी, नहीं गिरी तो कोई कारण है, कोई पकड़ बाकी। नॉन क्लिंगिंगनेस। तो मुझे कहने लगा, बाबा पकड़ तो है, कुछ मान्यताएं हैं। मेरे पोता हुआ था, बाबा का घोड़ा छोड़ना ये पकड़ है। अब कैसी कैसी पकड़े तुम बनाए हुए, कैसे कैसे भय तुम मन में पाले हो, और यह आपकी गलती नहीं है, समझाने वालों की गलती है। जिन्होंने अपने पेट पालन के लिए आपको मूर्ख बनाया उनकी गलती है। ये श्राद्ध वगैरह सब मुड़ता है, जिस दृष्टि से आप निभा रहे हो इन्हीं प्रक्रियाओं को निभाने के और भी ढंग हो सकते हैं जो कि सही हैं। जिस ढंग से आप निभाते हो गलत है। जिसके पास शरीर नहीं उसे आप कपड़े दान देते हो, जिसके पास पांव नहीं उसको आप जूते दान करते हो, जिसके पास सर नहीं उसको आप मुक्का दान करते हो, जिसके पास पेट नहीं उसे आप खाना दान करते हो। ये मूर्ताएं नहीं है, ऐसी ऐसी मूर्ताएं बहुत हैं, क्या गिनाई जाए। आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आपके भीतर हैं। एक एक करके तराशी और तोड़ी, ये बंधन। धन्यवाद।